हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधुरी आर्ट। एंड आई एम स्टडिंग इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएफए पेंटिंग और माय नेम इज़ हिमाद्री। एंड आज मैं आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम ऑनलाइन पढ़ाई कवर करते हैं और क्या क्या हमको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ती हैं। और ये जो हमारा वीक है, ये स्कल्पचर का, और मैम ने हमको कुछ लेआउट्स बनाने के लिए दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि मेरी कुछ पुरानी ड्राॅइंग्स भी इसमें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं ये, जब मैं 1-2 साल पहले मैंने किया था, तो आप देख सकते हैं। और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है और करती भी हूँ, हैंड्स की, लेग्स की, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी की है। तो मैम ने हमको पर डे के लिए 10 स्केचेस बोले थे बनाने के लिए, बट बताया नहीं था कि किस तरीके से हमको बनाने हैं, तो हमको प्रॉब्लम हुई थी। और अभी टाइम हो रहा है 4:44, मैंने बीच में गैप ले लिया था थोड़ा सा, और मैं कुछ लेआउट्स बना रही हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने एक फिगर को रेफरेंस लिया है, देन सारे फिगर मैंने इमेजिनेशन से ही बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले मैं जो फिगर बनाऊँगी वो एक सिंपल प्लेन, मतलब हमको जो फिगर बनाने हैं स्कल्पचर के, वो बिना आर्मेचर के हमको स्कल्पचर बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग ही बनाने हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो बनाने में, और जो हमारी चीज़ें हैं वो टूटे भी ना। और जो हमको हाथ पैर बनाने हैं वो उसी अकॉर्डिंग बनाने हैं कि वो किसी के सपोर्ट में रहे, जिससे वो गिरे ना। मतलब जो हम स्कल्पचर बनाएंगे तो उसमें सारा मिट्टी का काम होगा, तो जो हमारा हाथ है और वो मतलब गिरे ना, या फिर हम उसको ऐसा ना कर दें कि वो अलग सा है, तो इस वजह से हमको सारी चीज़ें सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के अकॉर्डिंग बनानी है। और मेरा जो फर्स्ट है वो मैंने बना दिया, और थोड़ा सा मेरा मन नहीं किया उसे बनाने का, और मैं सेकेंड बना रही हूँ, तो उसमें भी मैं सपोर्ट के ही अकॉर्डिंग बना रही हूँ ताकि मैं इसको क्या बोलते हैं ईजीली निकाल सकूँ, क्योंकि विदाउट आर्मेचर स्कल्पचर बनाना थोड़ा सा कठिन है, बट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और जो मैं नीचे बना रही हूँ, नीचे के लिए जो मैंने वो बैठा वो बनाया, वो इसीलिए बनाया ताकि जब मैं स्कल्पचर बनाऊँ तो मेरे को वही सेम चीज़ बनानी है। ये सब करने के बाद मेरे को मैम को भेजना पड़ेगा ताकि जो मेरे लेआउट्स हैं उसमें मैम कुछ करेक्शंस कर सकें और कुछ बता सकें। वैसे तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। और ये जो मैं बना रही हूँ, मेरे को जब मैं स्कल्पचर बनाऊँगी तो मेरे को हर एंगल की तरफ से बनाना होगा, तो मैं इसीलिए चारों एंगल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्रंट एंड साइड, दोनों साइड से एंड एक बैक साइड से, तो मुझको सारे एंगल के लेआउट्स बनाने होंगे। और जो मैं बेस बना रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि मेरे को सपोर्ट चाहिए कोई ना कोई, इसलिए। और मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे कुछ लेआउट्स बनाए थे, ज़्यादा मेरा मन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कि मैं कुछ लेआउट दिखा रही हूँ आपको, वो मैंने सब बनाए थे, बट ज़्यादा मेरा मन ही नहीं कर रहा इन्हें बनाने का, क्यों पता नहीं मेरे को, बट ऑनलाइन में तो ऐसे हो रहा है कि ज़्यादा हम नहीं काम कर पा रहे हैं, बट मैं भी फिर भी कोशिश कर रही हूँ काम करने की ताकि मेरा जो लॉस ना हो और मैं कवर कर सकूँ आगे उस चीज़ को। और मैंने ये कुछ लेआउट्स बनाए हैं जो आप देख रहे हैं, मैंने चारों ही तरफ से उसको बनाए हैं, बैक साइड से, सब साइड से, दोनों साइड से मैंने उसको बनाया है। और ज़्यादा मेरा मन ही नहीं किया, पता नहीं इनको बनाने का, इरिटेट सी हो गई थी मैं कुछ। तो ऑनलाइन में तो ऐसे ही हो रहा है कि हम लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा लॉस ना हो और मेरे को इन फ्यूचर दिक्कत ना हो तो लाइव करने की। और स्केचिंग मैंने 1 साल से नहीं किया, जब से लॉकडाउन लगी थी बीच में बहुत कम ही स्केचिंग हुई थी मेरी, बट फिर भी मैंने कुछ करा, ट्राई किया है बनाने की। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही बस जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे उसको बैक साइड से तो हमको बनाना ही पड़ेगा, और ताकि हमको स्कल्पचर में प्रॉब्लम ना हो। और आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरी कुछ पुरानी ड्राइंग्स हैं जो मैंने काफ़ी बहुत पहले बनाए थे, एंट्रेंस से पहले भी पहले बनाए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।